हमारे शरीर की यदि संरचना की बात करें तो हमारे शरीर में अगर एक गोला सा बना के लेके चले यूं ही, तो हमारे शरीर में 4% अग्नि तत्व है, आग। ये 4% आग है, जो जिगर में बड़ी आग है वाला, वो वाली आग नहीं है ये। 4% अग्नि तत्व है, ये हमारे नाभि पर प्लेस्ड है, हमारा अग्नि केंद्र नाभि है। आप देखेंगे कोई भी खाना खाते हैं आप, आग है यहाँ, आग से जलता है। ये आग कैसी, क्या दिखने वाली आग है? नहीं, कुछ अग्नि का जठर अग्नि कहते हैं, नाभि पर है। कुछ भी खा लो जल जाता है, आप देखेंगे जला हुआ। अगर छोटा बेबी माँ के नाभि केंद्र में फायर चक्र बहुत एक्टिवेटेड है तो बच्चा जला हुआ पैदा होता है, यानी पीलिया होता है उसे। उसका बाइल लिवर का इतना लोड होता है कि जला मारता है, बच्चा फूक तप जाता है, तंदूर से निकला हो और जल गया हो। इसीलिए हमारा मल और मूत्र पीले रंग का होता है, पीलापन होता है हमारे यूरिन में, हमारी पॉटी में। क्यों? क्योंकि यहां भट्टी है, भट्टी कहती है सब साफ क्लियर। क्यों है ऐसा पीलापन, क्यों है ऐसी बात? क्योंकि सूर्य से जो भी शक्ति मिली उसे खाते हैं हम, और उसे जलाने के लिए भी भट्टी चाहिए, इसीलिए पीलापन, इसीलिए पीलिया, इसीलिए लिवर है जिसके पास ये सारा का सारा कंट्रोल है। और लिवर है अगर गड़बड़ तो दैट मींस पीलिया हो गया। और लिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे शरीर में एक ही ऑर्गन है जिसे काट लो फिर बड़ा होकर अपने साइज का बन जाता है, दूसरे को लगा दो उसके भी काम आ जाता है। यानी हमारे शरीर में जीवन देने की शक्ति वाला एक ऑर्गन है, लिवर है, जो शरीर के सारे जहर छान देता है। इस लिवर के दम पर डिटॉक्सिफाई होते हैं हम। और हमने क्या कर रखा है, अपने जीवन में कीचड़ भर रखी है। कीचड़ कहां भरी है? दिमाग में। इसको लिवर साफ किए जा रहा है शरीर के माध्यम से, लेकिन हम इस पे लोड डाले चले जा रहे हैं। ये जो 4% अग्नि तत्व का एलिमेंट है, ये हमारा नाभि पे स्थापित है, जो शरीर को, जीवन को चलाता है। इसको धोकनी से, यानी धक्का मार मार के सांस चलाना, ये सांस ले रहे हैं ना हम, ये सांस चल रही है, इस सांस के द्वारा ये आग फिर भभकती है, भभकती है। इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिन लोगों की आग कम भभकती है, इतनी सी, वो मोटे होते जाते हैं और वो परेशान होते हैं, मोटापा आ रहा है, हम तो खाते भी नहीं है, हमने तो जी डाइटिंग भी कर ली, मोटापा क्यों आ रहा है? यहाँ की आग की स्पीड स्लो है, ये फूंक देती है, नहीं तो। इसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं, वो देखा है यार पड़ोस का टिल्लू, देखा है भाई खा खा के अति मचाता है, पता नहीं यार कहाँ जाता है, साला लगता ही नहीं, हम तो हवा खा खा के फूले जा रहे हैं, कैसी अजीब कहानियां होती हैं। वो क्यों है? ये मेटाबॉलिज्म, ये 4% में धोकनी, ये दूसरा एक और ब्रेन है जो हमारी धोकनी चला रहा है। ये एयर एलिमेंट, हवा, इस वायु के द्वारा ये धोकनी चलती है, तो भैया सारे शरीर के अंदर ये पंपिंग कर देता है, जितनी भी ताकत हमारी निकली लगी है पूरा शरीर पलता पोसता है। और ये शरीर पलता पोसता है तो शरीर प्लस दिमाग, फिर दिमाग, फिर दिमाग के साथ साथ हमारा आशीर्वाद और फिर कृपा, हमारा स्टेप शुरू हो जाता है कि हाँ भैया उस तक पहुंच सकते हैं जो असली मैं हूं, जो कृपा देगा, जो आशीर्वाद के साथ रॉकेट बनाएगा जिंदगी को, शांति देगा, प्यार देगा, मस्ती देगा, ऐश करो सारी पार्टी। ये जो वायु तत्व इसके अंदर घूमता भटकता है, ये करता क्या है? आग को, ये आग की धोकनी चलाता है, यहां आग है और इसके ठीक नीचे हमारा वाटर चक्र है, जल केंद्र। जैसे हम नॉर्मल सेंस पे कहें कि हम सुसुपोटी करते हैं तो हमारे मल और मूत्र में थोड़ा गीलापन होता है, यूरिन तो गीला है ही, पानी से ही बना, जितना पानी हमारे शरीर में है उसके अंदर की सारी गंदगी निकालने के लिए किडनियां बनी हैं, वो छान के बाहर कर देती है। ये 72% है, ये हमारा शरीर है। इसी के बाद आगे कहानियां चलती हैं। ये जो 72% शरीर है हमारा, इसके पास ही जवानी और बुढ़ापा है। जवान कौन है? जिसका पानी 72% है शरीर में एंड पूरी टंकी भरी हुई अल्लाह बल्लभ। बूढ़ा कौन है? 72 से 71 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ। कहते हैं ना यंग एज के बच्चों को, मम्मी कहती है बेटा क्रीम लगा ले, वो कहता है मम्मा नहीं चाहिए ना, कहते बेटा लगा ले, मम्मी की स्किन बच्चे की स्किन से 25-30 साल बड़ी है, उसकी स्किन से पानी शरीर का निकालना उसने सीख लिया है अपना नास पीट पीट के, और उसके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं जल्दी, उसको क्रीम लगाने की जरूरत है। बच्चा कहता मेरे तो तेल निकल रहा है उल्टा, मेरा 72% लबा लबा है साला, मुझे क्या जरूरत पड़ी है यार, मेरे से क्रीम ले लो, मेरे से क्रीम ले लो, ये लो मम्मी ये खटैच, ये कर सकता है। तो ये जो पानी हमारे शरीर का हम घटाते हैं, ये कैसे घटता है? इसके घटने के कारण से गड़बड़ है। अब
ये पानी अग्नि के द्वारा उबलता है तो हवा बनती है। आप पानी को रखेंगे ना आग से टच करके, तो पानी कणों में बदल के ऊपर की ओर, वाष्पित होकर ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। यानी हमारे शरीर 70% पानी, जिसमें सारी ऊर्जा का संग्रह होना है, वो घुल घुला करके पूरे शरीर को पालता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, खून। खून के बारे में आप जानते ही होंगे, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, उस प्रकार से होता है। हमारे देश में जब विलन मिलता है तो पहले उसका हीरो खून पीता है, क्योंकि प्रॉब्लम है भाई, तेरे को तकलीफ देनी है, पहले डायलॉगबाजी करनी है। विदेशों में लोग कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ कुत्ते नहीं है, आप विदेश जाएंगे सड़क पे कुत्ते नहीं मिलेंगे, वहां तो कुत्ते का खून पिया नहीं जा सकता, इसलिए वहां गोली मार के डिजाइन कर देते हैं, फिल्म खत्म। बेकार की बात थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जरूरी सब कुछ होता है। ये शरीर के 72% जल तत्व को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका अग्नि सही धधकती रहे, और अग्नि धधकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका श्वास बाबा रामदेव की तरह चलती रहे। आपकी उम्र जो मर्जी हो जाए, आपके हड्डे फर्स्ट क्लास होंगे, लक्कड़ अजम पत्थर अजम, ताला खोपड़ी ऐसे चलेगी, लोग कहेंगे यार 10 दिन के उपवास के बाद भी 11 दिन नारियल पानी पे जीने के बाद ये मोदी जी कर क्या रहे हैं यार, ये थकते ही नहीं है। बड़ी अजीब बात है यार, कौन सी ताकत से चल रहा है बंदा, क्या खाता है वो, हवा खाता है क्या भाई? वो सूर्य खाते हैं, मोदी जी हमारे सूर्य खाते हैं सीधा। अब सीधा सूर्य भी खाया जा सकता है, क्या कमाल की बात है। नहीं कहते हैं ना भाई, हमारे को तो इतना सारा न्यूट्रिशन मिलना है। आजकल जो डोले बनाते ना, ऐसे चलते हैं, वो प्रोटीन शेक लेते हैं, प्रोटीन का एक स्कूप मारा, उसी में 28 से 32 ग्राम प्रोटीन होता है, जो सारा दिन खा खा के अति मचाओ तो आए, और उसी में ताकत पा लेते हैं। तो कंप्रेस्ड ऊर्जा, जिसने सूर्य खाना सीख लिया, डायरेक्ट मेडुला ओब्लोंगाटा एक ऑर्गन है हमारा, ये सेरेब्रम यहां से जुड़ा होता है और स्पाइनल कॉर्ड तक हमारे को भोजन भेजता है, यहां से सूर्य खाते हैं। मगर ये सूर्य खाना हमने सीख लिया तो हम जरा से भोजन पे भी मजे में जी लेंगे, जरा सी नींद से भी काम चल जाएगा। इस सूर्य की शक्ति को स्टेबल करने के लिए वायु के द्वारा धौंकनी से चल के शरीर के जल तत्व को सेट किया जाता है। और कहां काम करता है ये, हमारे शरीर की हड्डियों के तल से स्टार्ट, हड्डी, शरीर की हड्डियां, ये हमारा भूमि तत्व है, भूमि जो सख्त इलाका है शरीर का सारा, भूमि तत्व। ये हमारा मुन्ना है, मन है 12%, ये हमारा फिक्स है, जैसे हड्डियां हमारी फिक्स है, ये कमजोर भले ही हो जाएंगी लेकिन हड्डियों के ऊपर ही बॉडी चलेगी, ऐसे हमारा जो 12% भाग्य वो फिक्स है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसको आपने पोषण देना है या इसका सत्यानाश पीटना है, ये आपकी मर्जी। हड्डी क्यों जरूरी है, क्योंकि हड्डियों के अंदर ही बोन मैरो है, और इसी के पास सारे सेल बनाने की ताकत, बॉडी में सेल बन रहे हैं बढ़िया से, बॉडी ग्रो कर रही है, बॉडी में सेल कम हो रहे हैं उम्र के साथ, बुढ़ापा आ रहा है। आप ये ध्यान दे लें, अगर आपका दिमाग सही तरीके से सेलुलर लेवल पर बॉडी के साथ काम करेगा तो आपके जीवन में शरीर का सुख भी मिलेगा। मन का सुख तो 12% है, शरीर का सुख कितना है, कमाल है यार, 72% है, सबसे बड़ा सुख है। आपका मन कहता है, कहता रहे, अगर बिछौना बढ़िया है तो उसी पे सोने का मजा है। आपने भोजन ही तो खाना है शरीर को, लेकिन आपका मन क्या कहता है, भाई मुझे भी करा देना थोड़ी मौज। तो एक धांसू सी क्रॉकरी लेते हैं लोग, उसके अंदर वही रोटी खाते हैं जो प्लेट में शादी खा सकते हैं स्टील की, लेकिन उस धांसू क्रॉकरी में रख के खाते हैं, मन भी खुश तन भी खुश, वाह मजा आ गया यार, पार्टी टाइप्स। ये मजा आपके शरीर के हड्डियों का इलाका, यानी फिक्स्ड भाग्य, भूमि तत्व। ये जल तत्व है, ये भूमि तत्व है, ये अग्नि है, ये वायु, भूमि, गगन, अग्नि, नीर, वायु। अब राष्ट्र रहता है एक तत्व हमारा, गगन तत्व, आकाश। ये है आकाश, ये हमने 6% गलत लिखा है, ये 6% नहीं होता है, ये 94% हो गया, और 94 के बाद अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ईथर, ईथर कहते हैं इसको, व्योम, ईथर आकाश तत्व एंडलेस है, ये आकाश ही है जहां स्पिरिट बनती है, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। एक स्पिरिट होती है, एक सोल होती है, आत्मा कहते हैं, आत्मिक बातचीत करी, हम आध्यात्मिक बात करते हैं,
यानी उसके अंदर मुन्ना मन नहीं जुड़ा है रॉ। जितने लोगों के पास भीड़ खींची चली आई, राजा खींचे चले आए, धन खींचा चला आया, बुद्ध हुए कैसे आ गया, यानी कि उन्होंने आकाश तत्व से इतना जबरदस्त कनेक्शन कर लिया था महावीर भगवान ने कि रॉकेट बन गए। आज मोदी जी जैसे सफल लोग क्या कर रहे हैं, आकाश तत्व से कनेक्शन किया हुआ उन्होंने, कैसे अभी बात करेंगे हम, कमाल किया हुआ, दुनिया फॉलो कर रही है, दुनिया कमाल कर दिया, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, श्योरली फॉलो कर रहे हैं, डिसलाइक भी कर रहे हैं। बहुत रेयर लोग होंगे जो कहेंगे इट्स ओके, ना लाइक करना ना डिसलाइक करना है मोदी को, वो बहुत पावरफुल लोग है, इस पे ध्यान देना। आपके स्वभाव में ऐसा होगा कि आपने एक वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा, लाइक कर दिया, फिर ये बहुत गंदा है इसे डिसलाइक कर दिया, अभी भी उंगली चल रही है लाइक डिसलाइक में, आप में भेदभाव है, अच्छा गंदा सही बुरा आपको लगता है अभी भी, इसीलिए आप बुरा भी मानते हो और फालतू में किसी के लाग लपेटे में भी आ जाते हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मोदी जी जैसे व्यक्ति इसकी भी ऊर्जा ले रहे हैं, उसकी भी ऊर्जा ले रहे हैं, अगर ऐसा आप सीख जाओ। कृष्ण जी ने क्या किया, हाँ माता श्राप देना दे दे कुछ भी दे दो कोई बात नहीं, हाँ ये भी ले लूंगा मैं, ऊर्जा लेते ही चले जाओ, जिसको प्रेम करना है मुझसे प्रेम करो, आई अलाउ यू, ऊर्जा आती चली जा रही, ये आकाश तत्व से कनेक्शन है, ये आकाश तत्व है जहां शून्य है, शून्य सबसे पावरफुल है शून्य, इस पे क्लास की हमने जीरो। ये आग कहां से चली, अग्नि पे चली, धौंकनी पे, शरीर को पाला, शरीर को पाल पोस के सब सेटल किया, और यह है रहता का है सब, ये रहता है एक जगह में स्पेस, स्पेस एलिमेंट, ये है आकाश। तो आपको हड्डियां सेट करने के लिए शरीर पे ध्यान देना है, शरीर पे ध्यान देने के लिए अग्नि सेट रखनी है, अग्नि सेट रखने के लिए सांस बहुत बढ़िया लेना है, और सांस बहुत बढ़िया लेने के लिए शून्य में जाना है। ध्यान क्या है, बोले ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान, ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान का मतलब यह है कुछ नहीं, ध्यान करने की विधि सिखाएं। बहुत बार क्वेश्चन आए अपने पास भी आए, कहिए ध्यान लगाना सिखा दो, तो यार मुझे खुद नहीं आता, अब मैं क्या बताऊं ध्यान कैसे लगाते हैं भाई, सुख की खुशी जाने गम वाला नहीं, सुख की खुशी ना हो, जाने का गम ना हो, अरे आने और जाने का ड्रामा कोई खेल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, हाय नहीं लग रही, अरे वो चाहता नहीं लगाना, कोई है किसी की लग गई, वो चाहता है लगाना लग गई, कोई तुम्हारी लाइफ में पीस देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता, क्या आप वहां पहुंचे। आपके जीवन के अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं, एक दरवाजे पे धन है, एक पे गाली है, एक पे प्रेम है, एक पे शांति है, एक पे प्रॉपर्टी है, आपने जो दरवाजा खोला वही तो मिलेगा। आपने एक दरवाजा खोला यानी आपने कुछ कर्म किया और कहा यार बड़ी गालियां पड़ रही हैं, तो तुम्हारे को उसी की चाबी लगानी आती है ना, अब तुम्हें तो ये ज्ञान है कि मुझे सब ज्ञान है, और ये ज्ञान नहीं मेरे को ताला ला खोलना ही नहीं आता सही, तुम उस दरवाजे के ताला खोलते क्यों। लेकिन हमारी बुद्धि ये कहती है ना ये तो मुझे पता है, ये तो मैं ऐसे कर लूंगा, और फिर पिटाई होती है। अब हमें ध्यान ही तो सीखना है कौन सा दरवाजा खोलना है, यहां हमारा क्रोध हुआ फिर भाड़ में गया, मित्रता हुई, प्रेम हुआ, उसके बाद शांति पड़ी, पीस हुई, और फिर मस्ती है, हमने कौन से तल पे कनेक्शन किया किसी से। अगर हमने जाना ही नहीं, आप किसी से मिले और उसके साथ आपकी ईगो की लड़ाई हो गई, यानी आप खुद ने आपने वहीं से उसे कॉल किए, आप अगर किसी को इंडिया से कॉल करोगे इंडिया का नंबर आएगा, अमेरिका से करोगे अमेरिका, यूएस जापान से करोगे जापान का आया, आपने किसी से क्लेश में बात कही वो भी क्लेश में कर लेगा, आपने किसी को गाली बात की क्या करेगा वो थोड़ी देर, अब भाई साहब ये तो तरस रहे थे, लाओ ना चाय लो ना बिस्किट लो, हम कल ही लाए फाफड़े भी लाए वो भी खाओ, वो भी कहेगा भाई अपने पास भी यही ले ले, उसके पास भी गालियां पड़ी हैं, दे सकता है, आपकी मर्जी है आपने वो दरवाजा खोला कि नहीं। और हम अक्सर क्या करते हैं, बैठे कोस रहे हैं, यार ये बच्चे सुनते नहीं, अभी अभी आपने कोसने के दरवाजे से बच्चे की ओर कॉल लगाई है, अब बच्चा आपको सिर्फ बोलेगा नहीं वो भी कोसेगा, आपने अभी अभी टेंशन करनी शुरू की है, बच्चे का क्या करेंगे यार, पढ़ाई का क्या होगा, कैसे खर्चा निकालेंगे, अभी टेंशन से किया है, अब टेंशन से वापस आएगी आवाज। बीइंग ए पेरेंट्स तो सर मतलब एक फील रहते ही है बच्चों के लिए, चाहे हम कितना भी सोचें, मतलब आपकी क्लास के बाद जाएं ऐसा अनुभव भी करते हैं चलो करेंगे, लेकिन बीइंग ए पेरेंट्स तो आदमी फिर वहीं पे आ, बहुत प्यारी बात ये कि बीइंग अ पेरेंट तो मनुष्य वापस फिर वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि चिंता और टेंशन तो करेगा ही, ये तो जाए स्वाभाविक सी बात करी है इन्होंने। तो बीइंग अ पेरेंट आपने अपने बच्चे के शरीर पे ध्यान देना है,
कि दिमाग और शरीर पे करना है, शरीर पे ध्यान देना मतलब स्वस्थ है उसकी हेल्थ को लेके, मतलब तो हेल्थ को तो दिमाग चलाएगा उस पर ध्यान देना है, या खेले कूदे मतलब, या भाड़ में का दिमाग भी भाड़ में गया वो भी टेंशन ही छोड़ दूंगा, आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद तो देखो हमें यकीन, हमें यकीन ही नहीं हम आशीर्वाद दे सकते। पेरेंट्स तो हमेशा फिर भी भाई ब्लेस तो करते हैं बच्चे, कैसे करते हैं आप, कैसे ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को? भाई मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलता हूँ बेटा जो भी हो बट स्वस्थ रहना, सबसे पहले शरीर को सिर्फ फिट करना, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो किसी भी एंगल पे तुम अच्छा भी नहीं कर सकते बुरा भी नहीं कर सकते। ये आपने उनको बताया है और उन्हें ऐसा करना आता है तो ये आशीर्वाद तो आपने दिया ने भी सिखाया का? आशीर्वाद थोड़ी है ये तो शिक्षा है, तो खुद ही सीखने आ रहे हैं, यही तो बात है। अभी हम यहाँ तो पहुंचे नहीं, हम तो खुद ही सीखने आ रहे हैं कि हम ऐसा कैसे कर दें कि आप, हम बच्चों कहते हैं बेटा ध्यान से पेपर देना, नहीं नहीं ये नहीं बोलते, उदाहरण है कि बेटा ध्यान से पेपर देना, वो कहता ध्यान से पेपर देंगे पर ध्यान होता क्या है, ये तो किसी ने सिखाया नहीं। बेटा तमीज से बात करते बड़ों को, वो तो ठीक है मम्मी तमीज होती क्या है, पहली बात ये भी आपने बना रखी कि ये है, अभी हमें भी पता नहीं, हमें ये कंफर्म नहीं है कि हम भी जो जानते हैं वो सही जानते हैं कि नहीं। पहली प्रॉब्लम हमारी है हम जानते हैं सही जानते, हर व्यक्ति हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ब्रजेश गौतम, हो सकता है मैं जितनी बात बोल रहा हूँ ये भी गलत हो, तो क्यों ना एक चलाकी करूं यार, खत्म करो झगड़ा, साला किसी का आशीर्वाद लूंगा नहीं तो कृपा लूंगा, ले लो पंगे। अभी हमारे राम जी के मंदिर पे बहुत बड़ी भीड़ थी, अंबानी खड़ा, अमिताभ बच्चन खड़ा है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन सिंगर्स खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं सारे बड़े बड़े सुपर सुपर वीआईपी, क्यों? और यार राम जी उनसे भी बड़े वीआईपी हैं, उनको कोई नहीं कह रहा कुर्सी लीजिए सर। अबे किसके पास आए हो, राम के पास आए हो, साला तुम्हें खड़े होने का मौका मिले, साले नहीं भाई मेरे, अबे तुम्हें खड़े होने का मौका मिलेगा कितना बड़ा गौरव है, और उनको माशरम नहीं। जब इसके साथ जुड़ोगे अबे टेंशन कहां रही, आपने बच्चे की टेंशन करी, आप इसे काम नहीं करने दे रहे, कृपा तो कभी मिलेगी, आपने बच्चे को शिक्षा दी, बच्चे को ध्यान नहीं सिखाया, बच्चे को प्रेम दिया, हो सकता है डांट दियो, हो सकता है चिंता दियो, आप कौन से दरवाजे से बात कर रहे हैं बच्चे से, कौन सी मंजिल से, आप चिंता की फ्लोर से कर रहे हैं। बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्यों रखो, बेटा खा पी ऐश कर, तुझे ठीक रखना हमारा काम है, हम उसको बोलेंगे, खत्म, कितना सिंपल है। बच्चा कहता है पापा 10 रुपीज दे दो, बाप क्या कहता, ओ हेलो इस पे तो ऑडिट होगा, ये 10 रुपए का नोट कहाँ जाएगा, ये कैसे आया, कहाँ जाएगा, क्यों लिया है, क्यों चाहिए तुम्हारे को, नहीं। बच्चा कहता है, बाप कहता है ये ले बेटा उड़ा तू 10 क्या 50 ले, ऐश कर बच्चे तेरी फीस के लिए, पापा मुझे पढ़ने जाना है बाहर विदेश, पैसे लगेंगे। पिता ये थोड़ी कहता है खबरदार औकात देखिए, नहीं करेंगे बेटा तेरी खुशी के लिए करेंगे बच्चे, वो परमात्मा भी तो करता है, हमें कृपा ही तो लेनी नहीं आती। मान लो आपका एक बच्चा है और उस पर आपको कृपा नहीं देनी तो आप उसको रोटी भी नहीं दोगे, कृपा का खेल है ना, तो यहां तो पहुंचे ही नहीं। असली खेल तो यह है, आज हमारी क्लास का निचोड़ कहां है ये, अब कृपा ले लो ना, किन चक्करों में लगे हो, बैठे बैठे काम होंगे, सपने पूरे हो जाएंगे, बल्कि सपने देखने की जरूरत ही नहीं, सपनों से ज्यादा मिल जाएगा।